राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है और सातों सीटों पर नामांकन दाखिल हो चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी 13 मई से एक खास किस्म की रणनीति लेकर आई है चुनाव प्रचार को लेकर, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय। सर, जेल का जवाब वोट कैंपेन हमने देखा, सुनीता केजरीवाल का रोड शो देखा, अब आप लोग एक नए तरीके का कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, क्या कुछ है वो कैंपेन? देखिए, दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत सातों सीटों पर नामांकन हो चुका है, सभी जगहों पर मजबूती से गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा किया। इन सीटों पर हम 13 तारीख से चौथे चरण के अपने कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, जो 23 मई तक चलेगा, उस दिन लास्ट प्रचार का दिन है। ये जो चौथे चरण का कैंपेन है, इसके पहले हमने सबसे पहले जेल का जवाब वोट से डोर टू डोर कैंपेन हमने दिल्ली में शुरू किया और करीब 2000 टीमें हमने बनाई थी जो घर घर जाकर के इस संदेश को पहुंचाने का काम कर रही हैं। दूसरे चरण में हमने हर वार्ड में संकल्प सभा हमने शुरू की हुई है, जो लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, संकल्प सभा चल रही है। तीसरे चरण में हमने अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर के सुनीता केजरीवाल जी का रोड शो हमने शुरू किया है, लोग लगातार जारी है। अब चूंकि नामांकन हो चुका है, तो अब पूरी ताकत पार्टी कैंपेन में झोंकने के लिए अब मैदान पे अब उतर रही है। जनरल कैंपेन के साथ साथ जो समाज के सभी महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उनके साथ अब डायरेक्ट संवाद किया जाएगा और उसके लिए पूर्वी दिल्ली लोकसभा से ट्रेड टाउन हॉल की हम शुरुआत कर रहे हैं, जो 23 तक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जारी रहेगा। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से हम ग्रामीण पंचायत की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी 10 दिनों में अलग अलग हिस्सों में जाएगा। महिला संवाद की शुरुआत हम नई दिल्ली लोकसभा से कर रहे हैं और साउथ दिल्ली लोकसभा से पूर्वांचल समागम की हम शुरुआत करेंगे। और इसका हमारा मकसद यह है कि समाज के हर तबके को ये जो तानाशाही है, अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया है, इसके खिलाफ संविधान को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। हमारा लक्ष्य है कि 23 तक हम 1,00,000 लोगों को संकल्पित कराएंगे। जो लोग 25 मई को वॉलंटियर बनकर के इस जेल का जवाब वोट से देने के लिए लोगों में सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर चर्चा हो रही है और सभी को उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो क्या जो प्रचार का तरीका है वो बदलेगा? अरविंद केजरीवाल सड़कों पर दिखेंगे? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल बन करके पूरी दिल्ली चुनाव लड़ रही है, हमारा अभियान लगातार जारी है और हम पूरी ताकत के साथ अब आखिरी चरण में अपनी ताकत झोंकने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय देगा, उसके अनुसार फिर हम अपनी रणनीति बनाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। शिव कुमार के साथ नवीन निशांत, इंडिया डे लाइव, दिल्ली।